हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट और फिफ्थ को पढ़ाएंगे, जिसमें से आपका टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। इसके पहले जो हमने पढ़ाया था उसके बाद यह नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो वहां पे विजुअलाइजिंग, अब ये जानते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन को कैसे विजुअलाइज किया जाए। विजुअलाइज मीन्स कैसे उसको प्रेजेंट किया जाए। नेशन, नेशन तो कोई व्यक्ति होता नहीं है, कोई पर्सन होता नहीं है, तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसको किस तरह प्रेजेंट किया जाए। क्योंकि किसी पर्सन को प्रेजेंट करना इजी होता है, उसके पिक्चर को बनाना, उसकी स्टैचू को बनाना ये आसान होता है, लेकिन ये नेशन की पिक्चर क्या होगी, नेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करें, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात थी। तो उस समय जो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट ने नेशंस को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने इस नेशंस को पर्सनिफाई करना शुरू कर दिया। नेशंस को क्या किया वो लोग, पर्सनिफाई करने शुरू कर दिए। क्योंकि 18 और 19 सेंचुरी में ये आर्टिस्ट थे, नेशन की पिक्चर को, नेशन को पिक्चर के रूप में, स्टैचू के रूप में उन्होंने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। और इसको क्या किए, फीमेल फिगर के रूप में, फीमेल फिगर के रूप में इन्होंने नेशंस को पर्सनिफाई कर दिया। अब जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने भी नेशंस को फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया था, और उस समय रिप्रेजेंट किए थे, और उन्होंने नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिबर्टी का यूज किया, लिबर्टी जस्टिस इसका उन्होंने यूज किया। लिबर्टी जस्टिस, लिबर्टी को सिंबलाइज करने के लिए रेड कैप और ब्रोकन चैन का उन्होंने यूज किया, और जस्टिस को सिंबलाइज उन्होंने कैसे किया, ब्लाइंड होल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेन, एक ऐसी महिला को उन्होंने रिप्रेजेंट किया जस्टिस को, कि एक ऐसी महिला हो जो ब्लाइंड फोल्डेड है और उसके हाथ में क्या हो, पेयर हो। इस तरह फ्रांस में नेशंस को सिंबलाइज किया गया। और उसके बाद फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में एक और इंसिडेंट हुआ। वहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था, उस समय के जो आर्टिस्ट थे नेशंस को फीमेल फिगर के रूप में प्रेजेंट किया, उसके बाद 19 सेंचुरी में फ्रांस में नेशंस को भी फीमेल फिगर के रूप में प्रेजेंट किया गया। और वहां पे जो नेशंस को जैसे प्रेजेंट किया और उसका सिंबल था मैरियाने, इसके रूप में प्रेजेंट किया गया नेशंस को। और इसकी जो पिक्चर थी, मैरियाने की जो पिक्चर थी, जो स्टैचू था, जितने भी पब्लिक प्लेस थे वहां पर उसको इरेक्ट किया गया, ताकि लोगों के अंदर नेशनल जो फीलिंग है वह एराइज हो सके। यह हुआ फ्रांस में। और इसी से रिलेटेड जो दूसरा इंसिडेंट हुआ था जर्मन में, तो जर्मन में भी लोगों ने अपने फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग नाम लिया, जिसका नाम था जर्मानिया। जर्मनिया, यह जर्मन का, जर्मन के लोग अपने नेशन को इस तरह प्रेजेंट करते थे, और यह फ्रांस के लोग, जर्मनिया को जो प्रेजेंट किया जाता था उसके सर के ऊपर जो था एक क्राउन ऑफ ओक ट्री था, ओक लीफ का उनके सर के ऊपर क्राउन लगा हुआ था। ओक लीफ जो है जर्मन में वहां पे हीरोइज्म का सिंबल था। यह आपका, इसके बाद इसमें नेक्स्ट आपका आता है, इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। यह इसका लास्ट पॉइंट है राइज ऑफ नेशनलिज्म का, जो नेशनलिज्म, नेक्स्ट नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, इसको देख लीजिए आप, एंड इंपीरियलिज्म। हम नेशनलिज्म को लेते हैं, जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था, यह धीरे धीरे जब 19th सेंचुरी जब कंप्लीट होने वाली थी, उसी समय नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वह अपने मूल विचारधारा से वो हट गया।
अभी इसका जो कॉन्सेप्ट था ये इसके अंदर ये नैरो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ गया और जितने भी नेशनलिस्ट थे वो आपस में एक दूसरे के प्रति इनटॉलरेंट हो गए, एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे और उसी का फायदा उठाकर जो यूरोप के जो इंपीरियलिस्ट जो लोग थे इसी लोगों के इसी फीलिंग्स का फायदा उठाकर उन्होंने अपने इंपीरियल जो एम है उसको उन्होंने पूरा करने का अपनी अपने साम्राज्यवादी एम को उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। किसका? नेशनलिज्म फीलिंग का बेनिफिट लेकर। और एक ऐसा एग्जांपल मिलता है उसमें 1871 में बालकन एक ऐसा क्षेत्र था, बालकन ऐसा क्षेत्र था जहां पे नेशनलिस्ट जो है टेंशन एराइज हो गया, जो नेशनलिस्ट जो टेंशन था वहां पे क्यों हो गया, क्योंकि बालकन जो क्षेत्र आपका था बालकन उसमें कई स्टेट थे जो आज आप जिसको रोमानिया बल्गेरिया अल्बेनिया इन सारे स्टेट और सारे स्टेट मिलाकर बालकन बनता था और यह क्या इसी जियोग्राफिकल कंडीशन इसमें वेरिएशन था, एथनिक वेरिएशन था, इतने सारे वेरिएशन थे इस बालकन एरिया में जो लोग रहते थे उसको जो इनहेबिटेंट्स थे उसको स्लॉव्स कहते थे, स्लॉव ये इसके इनहेबिटेंट्स को स्लॉव्स कहा जाता था और इन क्षेत्र के ऊपर जो यूरोपियन पावर के लोग थे इनके ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करना इन लोगों ने शुरू कर दिया और इसके बाद जो बालकन क्षेत्र के जो लोग थे उन लोगों ने रियलाइज किया कि वह इसके पहले अतीत में वह फ्री थे, इनके इनके ऊपर यूरोपियन लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है और ये धीरे धीरे अपने आप को फ्री करने के लिए इंडिपेंडेंट नेशन इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने हिस्ट्री का एग्जाम्पल लिया, उन्होंने यह बताया कि इतिहास में तो हम लोग फ्री थे और आज हम लोगों को इन लोगों ने अपने अंदर कंट्रोल में रखा है तो यह अपने आप को फ्री करना चाहते थे और उसके बाद यहाँ तो ये इसी सारी सिचुएशन को लेकर बालकन जो है एक्सप्लोसिव एरिया बन गया, वहां पे बहुत सारे एक्सप्लोसिव हो गए, टेंशन क्रिएट हो गया और टेंशन क्रिएट होने के बाद जो यूरोपियन ऑस्ट्रिया था जो आपका रूस था जो जर्मनी था इन एरिया के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया और जब आधिपत्य स्थापित ये दूसरे के टेरिटरी को वो कैप्चर करना चाहते थे और इसी कैप्चर का रीजन ये हुआ कि आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो गया आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यह एराइज हो गया शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत क्या होती अब ये जो नेशनलिज्म जो ये नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स थी और ये यह जो फीलिंग क्या हो गई अब इंपीरियलिज्म के साथ हो गई, यानी अब जो यूरोपियन जो लोग थे जो यूरोपियन इंपीरियलिस्ट थे इन लोगों ने नेशनलिस्ट फीलिंग का यूज अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया और उस समय अधिकांश एरिया यूरोप के अधिकांश जो राज्य थे उनके ऊपर इंपीरियलिस्ट ताकतों का पावर हो गया था और उसके बाद 19 सेंचुरी में जो नेशनलिस्ट फीलिंग थे जो इंपीरियलिज्म का इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और उसके बाद इन लोगों ने यह डिसाइड किया यह कॉन्सेप्ट बोला है कि ये जो सारे स्टेट के लोग हैं जो जियोग्राफिकल जो वेरिएशन है जो एथनिक वेरिएशन है इनको सिर्फ हम एक साथ यूनाइट कर सकते हैं नेशन स्टेट, नेशन स्टेट अगर हम बना लेते हैं नेशन स्टेट अगर हम बना लेते हैं तो जितने भी सारे वेरिएशन है इन सारे लोगों को एक साथ हम यूनाइट कर सकते हैं। यह रहा आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का लास्ट पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट लेसन पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।